तो दोस्तों अगर आप भी Realme Narzo 50A डिवाइस यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूं आप इस Realme Narzo 50A डिवाइस को हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। हार्ड फॉर्मेट की पूरी प्रोसेस में इस वीडियो के थ्रू जो है डिस्कस करने वाला हूं। आप अगर इस वीडियो पे क्लिक करके आए हुए हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहां पे गेन करने के लिए, तो आप वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा, अदरवाइज जो है आपको कई सारे ऐसी प्रॉब्लम्स में भी क्या पता हो सकती है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंडिंग तक देखिएगा जब तक हमारा डिवाइस पूरी तरीके से टर्न ऑन नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कैसे आप अपने Realme Narzo 50A डिवाइस को यहां पे हार्ड रीसेट कर सकते हैं। पूरा हार्ड फॉर्मेट का पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप जो है अगर ये ट्रिक वर्क करती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर से जो है ज्वाइन कर लीजिएगा और सोशल साइट्स के लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया गया है। तो चलिए अभी मैं बात करने वाला हूं Realme Narzo 50A के बारे में। फिलहाल देख सकते हैं मेरे पास जो डिवाइस है यहाँ पे Realme Narzo 50A डिवाइस, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डिवाइस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आप इस डिवाइस को यहाँ पे कैसे जो है हार्ड फॉर्मेट कर सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं मेरे पास जो डिवाइस है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है और यहाँ पे मैं इसको हार्ड रीसेट करने वाला हूँ, ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल मैंने अपने डिवाइस को अभी टर्न ऑन किया है, वापस से मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन जो मैं हार्ड रीसेट का प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ वो आपको डिवाइस को टर्न ऑफ करके करना है, मतलब जब आपका डिवाइस ऑन तो कोई भी प्रोसेस नहीं करनी है। लेकिन यहां पे सबसे पहले मैं मेन कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है जो कि मे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। देखिए सबसे पहली चीज, इसमें जितने भी आपके सिस्टम में एप्लीकेशन है उसका बैकअप आप अपनी जीमेल पे बना सकते हैं और बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ जितनी भी फाइल्स दी गई हैं यहाँ पे आपके डिवाइस में जितने भी डेटा है, मतलब यहाँ पे चाहे आपका फोटो वगैरह से रिलेटेड हो या फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी चीज हो, कोई भी फाइल हो, आपको सारा डेटा जो है किसी हार्ड डिस्क में कॉपी कर लेना है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे हार्ड रीसेट की प्रोसेस करते हैं या फिर हार्ड फॉर्मेट की प्रोसेस करते हैं तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे डेटा पूरा पूरा डिलीट होने वाला है। और कई जो यहाँ पे यूजर होते हैं वो इस चीज को पूरा नहीं देखते हैं और फिर उसके बाद कमेंट कर देते हैं कि यहाँ पे डेटा डिलीट हो गया या फिर नहीं होगा। अगर आप शुरू से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मे बी अभी तक आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा डेटा को लेकर, मतलब वो डिलीट होना ही होना है, सारा ही डेटा डिलीट होना है। तो आप सिस्टम जो है एप्स का भी बैकअप बना सकते हैं और सिस्टम में जितनी भी फाइल्स है उनका भी बैकअप किसी भी पीसी या फिर लैपटॉप में बना सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कैसे फॉर्मेट करना है आपको। तो सबसे पहले आपको डिवाइस को अपने जो है यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर लेना है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किया हुआ है। जैसे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पावर ऑफ का एक ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली इस पावर ऑफ के ऑप्शन में टैप कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको पावर ऑफ के ऑप्शन में टैप करेंगे तो आपका डिवाइस जो है पावर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिवाइस पावर ऑफ हो गया है, थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक आपका डिवाइस पावर ऑफ नहीं होता तब तक का। अब जैसे ही आपका डिवाइस पावर ऑफ हो जाएगा तो आपको करना क्या होगा कि Realme Narzo 50A डिवाइस को हार्ड फॉर्मेट करने का सिंपल प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे ये पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को सेम टाइम में सेम समय में प्रेस कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सेम टाइम में सेम समय में प्रेस करता हूँ तो नीचे की साइड में आपको रिकवरी मोड जो है देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड में रिकवरी मोड एक आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये रिकवरी मोड जब आ जाए तो समझ लीजिए आपका यहाँ पे ये मैटर जो है क्लियर होने वाला है। तो फिलहाल ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये आ चुका है। अब ये जो है यहाँ से आपसे जो है लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए जरूर से यहाँ पे बोलेगा, तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, सिंपली इस पे टैप करना है और टैप करने के बाद जो है यहाँ पे हार्ड फॉर्मेट में जो है सिंपली टैप कर देना है। जैसे आप हार्ड फॉर्मेट में टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नंबर जो है पूछा जाएगा, मतलब शो करा जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस नंबर को यहाँ पे सिंपली टैप कर लेना है, जैसे यहाँ पे 7569 है। मे बी आपके केस में हो सकता है कोई और यहाँ पे कोड आए तो उस कोड को आपको डाल लेना है, यहाँ पे फॉर्मेट में सिंपली टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे ये हार्ड फॉर्मेट आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पे हार्ड फॉर्मेट
होने लग गया। अब जैसे ही आपका डिवाइस यहाँ पे हार्ड फॉर्मेट हो जाए तो वेट कर लेना है जब तक यहाँ पे डेटा फॉर्मेट होता है। देखिए फॉर्मेट हो गया हमारा पूरा डेटा, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपका डिवाइस वापस से रिस्टार्ट हो जाएगा। Realme का लोगो पूरी तरीके से बन के चला गया है, देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको वेट करना है, वीडियो में बने रहना है, वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है क्योंकि आगे भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो कि मे भी आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हमारा डिवाइस रीस्टार्ट हो रहा है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम हमारा जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। अब देख सकते हैं Realme का लोगो भी भाई बन के आ चुका है, Realme जो है यहाँ पे फोन हमारा रीस्टार्ट पूरी तरीके से हो गया है। तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है जब तक आपका डिवाइस यहाँ पे पूरी तरीके से टर्न ऑन हो जाता है, तब तक का देख सकते हैं हमारे पास ये Realme Narzo है जो कि काफी शाइनिंग लुक देते हुए, मतलब अभी भी देख सकते हैं काफी ज्यादा आपको नया टाइप का लगता है भाई। कहीं ना कहीं Realme के जो फोन आते हैं भाई अपने में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मतलब इनहेंस करते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारा फोन था और भाई अभी ऑन हो रहा है, तब तक आप फोन का फिजिकल जो है यहाँ पे ओवरव्यू देख लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देख सकते हैं फिजिकल ओवरव्यू है भाई, देख सकते हैं कितना शाइनिंग मार रहा है अभी भी फोन, ठीक है। ये देख सकते हैं पूरा बढ़िया है और कहीं ना कहीं भाई डिवाइस अच्छा है, मतलब कम प्राइस का बजटेबल डिवाइस है, ठीक है। ये देख सकते हैं, बाकी देख सकते हैं हमारा डिवाइस अभी टर्न ऑन हो रहा है, हार्ड फॉर्मेट हो रहा है, तो मे भी आपको डेटा याद करके कैसे भी करके आपको कॉपी कर लेना है भाई। अगर आप डेटा कॉपी नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपका डेटा 110% डिलीट होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है डिवाइस जो है हमारा रीस्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारा फोन जो है रीस्टार्ट ऑन हो गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा डिवाइस पूरी तरीके से रेडी होता है, क्योंकि देखिए मैं स्किप चाहूँ तो कर सकता हूँ बट मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई भी पार्ट मिस हो, ठीक है। मैं जनरली ऑनलाइन मतलब लाइव वीडियो ही शूट कर रहा हूँ, मैं कहीं पे भी कट नहीं करूंगा, बस इसी वजह से कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, कोई स्किप पॉइंट ना हो पाए, बस यही सोच के जो है मैंने वीडियो को कहीं पे भी जो है स्किप नहीं किया या फिर कट नहीं किया है, ठीक है। तो जब मैंने वीडियो कट नहीं किया तो मे भी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिए, ठीक है, ताकि हमारी जो यहाँ पे जो मेहनत है वो थोड़ा जो है सर्वाइव कर पाए, ठीक है। फिलहाल देख सकते हैं थोड़ा सा वेट कर लेना क्योंकि भाई हार्ड यहाँ पे रीसेट हुआ है हमारा डिवाइस, तो आपको पता है हार्ड रीसेट होता है तो थोड़ा सा जरूर से टाइम मे भी लग जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं Realme का लोगो जरूर से बन के चला आ गया है और कहीं ना कहीं भाई ये देख सकते हैं पूरा यहाँ पे शाइनिंग लुक देते हुए Realme का लोगो के साथ, ठीक है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से और बस थोड़ा सा भी वेट करना है, मैक्सिमम यहाँ से मुझे लगता है एक मिनट के अराउंड में होने ही वाला होगा, ठीक है। और भाई देख सकते हैं ये है हमारा Realme Narzo 50A जिसको आप हार्ड रीसेट कर सकते हैं। देखिए हार्ड रीसेट करने से कई सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे मे बी दूर हो सकती है, तो देख सकते हैं बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ये जब हार्ड रीसेट करते हैं ना तो आपको जो है बैकअप रीसेट से ज़्यादा टाइम हार्ड रीसेट में लग जाता है, क्योंकि हार्ड रीसेट से क्या होता है आपका पूरा जो अंदर की फाइल्स हैं मतलब जितनी भी ऑल ओवर चीज़ें हैं वो यहाँ से अराउंडिंग पूरा यहाँ पे जो है कॉन्टेंट आपका डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और मे बी कितना टाइम लगता है बट जल्दी ही होपली हो जाए, ठीक है। और बस यही थोड़ा सा आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और हम चाहें तो कट जरूर से कर सकते थे वीडियो को बट मुझे नहीं लगता कि वीडियो को कट करनी चाहिए क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे पूरी ये भी बताऊँ ना कितना टाइम लगता है कितना टाइम नहीं लगता है ये हार्ड रीसेट करने में, ठीक है। तो फिलहाल देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे हार्ड रीसेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा डिवाइस जो है जरूर से थोड़ा सा टाइम ले लेगा और कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह का ऑप्शन जो है जरूर से चूज करने को मिल सकता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। हमारा जो लैंग्वेज करने का चूज करने का ऑप्शन है वो जरूर से मिल जाएगा। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है हेलो का ऑप्शन, ठीक है। अब फाइनली इसको आपको चेकआउट करना है यहाँ से और इसको यहाँ से इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लेना है और इंग्लिश पे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे कंट्री को जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, होपली ऊपर ही हमारी कंट्री जो है वो, चलो यहाँ पे नीचे से सर्च कर लेते हैं जो है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कंट्री सिलेक्ट कर लिए
और यहाँ से आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को दोनों को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद वाईफाई का कनेक्शन मांग रहा है, तो आप इसको मे बी स्किप कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इसको जो है मोर पे क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। थोड़ी सी प्रोसेस और बची है दोस्तों, बस यहाँ पे इसको स्किप कर देना है, ये देख सकते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पे आपको इसको बटन पे जो है सिंपली टैप कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ से आप चाहे तो पासवर्ड लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगाने वाला हूँ अभी फिलहाल, चलो पासवर्ड लगा ही लेते हैं। तो चलो मैं यहाँ से जो है पासवर्ड को यहाँ पे जो है लगा लेता हूँ, जिसे मैं यहाँ से पासवर्ड सिंपली यहाँ पे जो है नंबर लगा लेता हूँ, ठीक है। पैटर्न मुझे यूज नहीं करना, तो मैं कोई भी एक नंबर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, तो चलिए सिंपली मैं यहाँ पे नंबर कोई भी चूज कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं इसको ऐसे ही लगा लेता हूँ, कोई भी एक पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ से जो इसको डन पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से आ जाता है अपना वेलकम टू रियलमी UI, और आपको क्या करना है गेट स्टार्ट पे सिंपली टैप कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका डिवाइस पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाएगा यूज करने के लिए। सो दोस्तों होपली अब आपका यहाँ पे पूरा यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा, कैसे हार्ड रिसेट करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें मिल गई होंगी आपको। होपली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए सबका थैंक यू सो मच, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।